I am Rahul Kumar and welcome again in my YouTube channel. Today I will discuss about the question number 23 of RS Narwal exercise 3E class 10. Okay, let's see. और फ्रेंड्स आप अपने वीडियो क्वालिटी को 720 पे फिक्स कर लें ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना है. क्वालिटी इसका क्लियर है. ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स. इफ अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर ही पेज रुपीज 1330 एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर ही पेज रुपीज 1490. फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड रेट पर किलोमीटर. क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई एक सिटी है जिसमें टैक्सी की चार्जेस फिक्स, मतलब आप उस टैक्सी को अगर बुलाते हो तो बस आने का कुछ फिक्स चार्ज ले लेगा. ओके और जो रिमेनिंग है आप कितने किलोमीटर चलते हो उस पर डिपेंड करता है. ओके तो और क्या कर रहा है, एक मैन चलता है अगर 80 किलोमीटर चलता है तो उसको 1330 रुपीज पे करने पड़ते हैं और 90 किलोमीटर अगर वो चलता है तो वो 1490 रुपीज पे करता है. तो उसका क्या निकालना है, फिक्स चार्ज टैक्सी का फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर रेट कितना लेता है उसको निकालना है. ठीक है तो पहले मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स. ओके फिक्स चार्ज को हम लोग एक्स मान ले रहे हैं तो अब क्या रेट पर किलोमीटर कितना मानते हैं, वाई मान लेते हैं. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ तक तो हमारा पता है. ठीक है अब क्या कर रहा है, इफ अ मैन ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर ही पेज 1330, मतलब यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है कितना चल रहा है, पहले तो उसको फिक्स देना ही पड़ेगा, मतलब एक्स रुपीज उसको देना ही पड़ेगा अगर वो टैक्सी को बुला लेता है. ठीक है तो एक्स तो हमेशा लगा ही रहेगा. ठीक है प्लस अब कितने किलोमीटर चलता है, 80 किलोमीटर और 80 किलोमीटर का रेट हम लोग कितना, मतलब ये जो पर किलोमीटर रेट है उसको हम लोग बाई मान चुके हैं तो 80 किलोमीटर चला तो 80 से बाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 बाई, तो उसको रेट कितना पे करना पड़ जा रहा है 1330. इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं. ओके अब आगे पढ़ते हैं क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके तो अब क्या कर रहा है, एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर ही पेज रुपीज 1490, मतलब 90 किलोमीटर चलता है तो उसको 90 किलोमीटर चलता है. ठीक है तो 90 वो किलोमीटर चला और ये रुपीज से मल्टीप्लाई हो गया और वो फिक्स रेट तो अपना लेगा ही टैक्सी वाला, तो एक्स एड कर दिए कितना देना पड़ जा रहा है उसको 1490. इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, अब कुछ नहीं करना है इसमें, एक्स एक्स हमारा मिल चुका है तो बस सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे. ठीक है क्योंकि ये बड़ा टर्म है और ये छोटा इसलिए घटा देंगे तो हमारा वाई का वैल्यू आ जाएगा, लिखेंगे 2 माइनस 1. ओके तो 2 कितना है, एक्स प्लस 90 वाई प्लस 1490 और यहाँ एक्स प्लस 80 वाई इक्वल्स 1330. सब्ट्रैक्ट करने का रूल पता है, प्लस साइन तो नीचे साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 10 वाई आ जाएगा और यहाँ पे जो आ जाएगा 160 आ जाएगा, तो वाई का जो वैल्यू आ जाएगा 160 बाई 10, तो ये 16 रुपीज आ गया, मतलब वो पर किलोमीटर चलेगा तो वो 16 रुपीज देगा. ओके अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन 1. ओके वाई इन 1 तो अब करेंगे हम लोग यहाँ एक्स प्लस 18 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 16 इक्वल्स 1330. एक्स प्लस 1330 माइनस, तो ये हमारा 50 रुपीज आ गया, मतलब उसका जो टैक्सी का फिक्स रेट था वो 50 रुपीज था और रेट पर किलोमीटर 16 रुपीज. इसको आप वर्ड्स में यहाँ पे लिख लीजिएगा एकदम याद से, एग्जाम में भी कहीं भी लिखना हो कॉपी में भी वर्ड्स में जरूर लिखिएगा, फिक्स चार्ज इक्वल्स 50 रुपीज एंड चार्ज मतलब रेट पर किलोमीटर इक्वल 16 रुपीज. ओके याद से लिख लीजिएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और
नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियोस को जल्दी आप तक आप देख पाएं। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।